हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दसवां भाग टेंथ क्या होता है इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। चंपापुर में इस बार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सभी गांव वाले गर्मी से बेहाल हैं। राजू और बबलू मार्केट में घूम रहे हैं। राजू, आजकल इतनी गर्मी है, मुझे दिन में दो बार नहाना पड़ रहा है, बबलू ने अपना पसीना पोंछते हुए राजू से कहा। हाँ बबलू, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। आज सुबह मैंने रेडियो पर सुना कि आज चंपापुर का तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस क्या होता है राजू? डिग्री सेल्सियस तापमान नापने की इकाई है, राजू ने बबलू को समझाया। अच्छा, मैं डिग्री सेल्सियस समझ गया, 35.4 डिग्री सेल्सियस। राजू, 35 तो ठीक है, लेकिन ये 0.4 क्या है? बबलू ने राजू से पूछा। यहाँ 0.1 ये दर्शाता है कि एक डिग्री को 10 बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, और क्योंकि 0.0 डेसिमल पॉइंट के बाद की संख्या 4 है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम एक डिग्री के 10 हिस्सों में से 4 हिस्से ले रहे हैं। इस तरह हम 0.4 को 4/10 इस तरह से भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, राजू ने बबलू को समझाया। अच्छा, इसका मतलब अगर कल का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम कह सकते हैं कि 0.2 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस का 2/10 या 2/10 हिस्सा है, बबलू ने उत्साहित होकर कहा। बिल्कुल ठीक बबलू, चलो हम समुद्र किनारे घूमने चलें, हमें इस भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। वाह राजू, चलो हम तुम्हारे और मेरे लिए नई स्लीपर खरीद लें, ताकि हम समुद्र किनारे खूब मजे कर सकें। चप्पल की दुकान में गग्गू ने पहले राजू के पैर का नाप लिया। राजू, तुम्हारे पैर का नाप 15 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा है, बबलू ने राजू से कहा। हाँ बबलू, मेरे पैर का नाप 15 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर है। अब ये मिलीमीटर क्या है, बबलू ने राजू से पूछा। देखो, स्केल पर 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं, तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का कितना भाग हुआ, राजू ने बबलू से पूछा। 10वां भाग, बबलू ने झट से जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, 1 सेंटीमीटर के 1/10 भाग को 1 मिलीमीटर MM कहते हैं। और तुम्हारे पैर का नाप 15 सेंटीमीटर से 4/10 भाग और लंबा या 4 मिलीमीटर और लंबा है, बबलू ने उत्साहित होकर कहा। और क्या तुम जानते हो, क्योंकि 10वें भाग को हम 0.0 का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मेरे पैर का नाप 15.4 सेंटीमीटर है, राजू ने बबलू से कहा। अब बबलू ने अपने पैर का नाप लिया। बबलू के पैर का नाप 13 सेंटीमीटर से 7/10 भाग ज्यादा लंबा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बबलू के पैर के नाप को हम मिलीमीटर और 0.0 का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। बबलू के पैर का नाप 13 सेंटीमीटर से 7/10 भाग ज्यादा लंबा है। इसका मतलब बबलू के पैर का नाप 13 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर या 13.7 सेंटीमीटर है। राजू और बबलू ने अपनी नई स्लीपर खरीद ली और खुशी खुशी समुद्र किनारे टहलने निकल पड़े। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा 10वें भाग
वन टेंथ के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे।